दोस्तों आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसने भारत में क्रिकेट को एक नई पहचान दिलाने के साथ साथ विश्व स्तर पर भी अपने देश का नाम रोशन किया। साथ ही उन्हें ही अभी तक भारत का सबसे सफल ऑलराउंडर भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पूर्व भारतीय खिलाड़ी और सबसे सफल कप्तानों में से एक, भारत को पहला वर्ल्ड कप जितवाने वाले कपिल देव के बारे में, जिनकी शानदार फास्ट बॉलिंग और तेज तर्रार हिटिंग के सभी लोग फैन थे। और उनका खौफ उस जमाने में कुछ ऐसा था कि अच्छे अच्छे बैट्समैन भी उनकी गेंदों का सामना करने से डरते थे। और दोस्तों अपने इन्हीं टैलेंट्स के दम पर उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। और यही वजह है कि क्रिकेट से रिटायरमेंट के कई दशकों बाद भी हमें उनकी तारीफें अक्सर सुनाई दे ही जाती हैं। हालांकि कपिल देव ने जो भी मुकाम अपनी जिंदगी में हासिल की है उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष छुपी हुई है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कपिल देव की पूरी लाइफ स्टोरी को जानते हैं कि किस तरह से एक छोटे से लकड़ी व्यापारी के लड़के ने भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दिलाई। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 6 जनवरी 1959 से, जब कपिल देव का जन्म पंजाब के चंडीगढ़ में हुआ। उनके पिता का नाम रामलाल निकुंज था, जो कि एक लकड़ी के व्यापारी थे, और उनकी माँ का नाम राजकुमारी। हालांकि भारत पाकिस्तान बंटवारे से पहले कपिल देव के माता पिता पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन बंटवारे के बाद से वह भारत आ गए और इस तरह से कपिल और उनके दो भाइयों का जन्म भारत में ही हुआ, लेकिन उनकी चार बहनें पाकिस्तान में ही पैदा हुई थी। कपिल देव को शुरू से ही खेलों में दिलचस्पी थी और वह क्रिकेट को सबसे ज्यादा पसंद करते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई डीएवी स्कूल से की और लोग बताते हैं कि वहां पर भी वह काफी अच्छे एथलीट थे। और फिर शुरुआती पढ़ाई के बाद से कपिल देव सेंट एडवर्ड कॉलेज गए, जहां पर उन्होंने क्रिकेट के खेल में खुद को काफी इम्प्रूव किया। और फिर इस खेल में कपिल के इंटरेस्ट को देखते हुए उनके घर वालों ने उन्हें क्रिकेट सीखने के लिए भेजने का फैसला किया। वैसे तो कपिल शुरू से ही काफी टैलेंटेड थे, लेकिन जो भी थोड़े बहुत गाइडेंस की उन्हें जरूरत थी वह उनको दिया पूर्व क्रिकेटर देश प्रेम आजाद ने। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कपिल देव जानते थे कि एक सफल तेज गेंदबाज बनने के लिए उनके कंधे मजबूत होने चाहिए, और इसीलिए वह लकड़ी की कटाई किया करते थे। और फिर जल्द ही उनके शानदार बॉलिंग को देखते हुए नवंबर 1975 में हरियाणा की रणजी टीम की तरफ से खेलने का उन्हें मौका मिला, और अपने इस पहले मैच में ही उन्होंने 6 विकेट चटकाकर लोगों को बता दिया कि क्रिकेट की दुनिया में एक नया सितारा आ रहा है। और फिर इस सीजन के उन्होंने कुल 30 मैचेस में 121 विकेट्स लिए। और फिर उनके खेल को देखते हुए रणजी के बाद से ईरानी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी और विल्स ट्रॉफी में भी उन्हें खेलने का मौका मिला। और फिर डोमेस्टिक लेवल पर अपनी बॉलिंग की छाप छोड़ने के बाद से 16 अक्टूबर 1978 को पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में उन्हें भारत की इंटरनेशनल टीम की तरफ से पहली बार खेलने का मौका मिला। हालांकि दुर्भाग्य से भारत यह सीरीज हार गया, लेकिन इस सीरीज से भारतीय क्रिकेट को एक शानदार बॉलर और तेज तर्रार हिट करने वाला हीरा मिल चुका था। और फिर थोड़े दिनों के बाद ही वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने अपना शानदार पहला शतक लगाया। हालांकि शतक तो कोई भी लगा सकता था, लेकिन यह शतक उनके लिए खास इसलिए था क्योंकि उस समय वेस्टइंडीज की बॉलिंग लाइनअप सबसे खतरनाक मानी जाती थी। और फिर शुरुआती 25 मैचेस में 100 विकेट और 1000 से भी ज्यादा रन बनाने वाले कपिल देव पहले भारतीय खिलाड़ी बनकर सामने आए, और यहीं से भारतीय टीम को भी एक शानदार ऑलराउंडर मिल चुका था। और फिर उनके शानदार लीडरशिप स्किल्स को देखते हुए उन्हें 1982 में पहली बार श्रीलंका के विरुद्ध कप्तानी करने का मौका दिया गया। हालांकि यह मौका उन्हें इसलिए मिला था क्योंकि उस समय के कप्तान सुनील गावस्कर को आराम दिया गया था, लेकिन जल्द ही वह रेगुलर कप्तान भी बन गए। और उनके सामने कप्तान के तौर पर सबसे बड़ी चुनौती आई 1983 में, जब वर्ल्ड कप में भारत को खेलना था। हालांकि इस समय भारत को कोई भी जीत का दावेदार नहीं समझता था, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम ने कपिल देव की कप्तानी में सभी को गलत साबित किया, और वेस्टइंडीज से फाइनल मुकाबला जीतकर भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया। और इस वर्ल्ड कप में कपिल देव ने 303 रन बनाए और 12 विकेट झटके थे। साथ ही उन्होंने अपनी शानदार फील्डिंग से 7 कैचेस पकड़कर कई सारे मैच भारत के खाते में डाले थे। और इस वर्ल्ड कप के बाद से उनको हमेशा के लिए भारत के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में गिना जाने लगा जो कि अपने परफॉर्मेंस की दम पर मैच की दशा और दिशा दोनों बदलने की ताकत रखते हैं। और फिर आगे भी उन्होंने कई सारे सीरीज भारत को जितवाए और अपने आप को दुनिया के सबसे शानदार खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल करवाया। और फिर आखिरकार 1994 तक भारतीय क्रिकेट की सेवा करने के बाद से उन्होंने संन्यास ले लिया। और दोस्तों कपिल देव ने अपने कुल कैरियर में 131 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें 5238 रन बनाकर 434 विकेट लिए। वहीं ओडीआई में उन्होंने 225 मैचेस में
3783 रन बनाए और 253 विकेट झटके और उनके यही आंकड़े उन्हें भारत के सबसे महान ऑलराउंडर की गिनती में सबसे ऊपर लखड़ा करते हैं। साथ ही क्रिकेट के खेल में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और अर्जुन अवार्ड की तरह ही कई सारे सम्मान भी मिल चुके हैं। और अगर कपिल देव की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 1980 में रोमी भाटिया नाम की लड़की के साथ शादी की। हालांकि दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि कपिल देव अभी भी क्रिकेट से दूर नहीं है, क्योंकि अक्सर हम उन्हें बतौर कमेंटेटर लोगों को एंटरटेन करते हुए देख सकते हैं और उनकी मौजूदगी में देश के खिलाड़ियों को भी काफ़ी सहायता मिलती है। और दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि कपिल देव बहुत सारे क्रिकेट खिलाड़ियों के इंस्पिरेशन हैं और उनकी लाइफ हमें यह सिखाती है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। उम्मीद करते हैं कि कपिल देव की यह लाइफ स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।